आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये शर्मा जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने देखा था कि हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन काफ़ी शानदार तेजी बनती नजर आई थी। सोयाबीन 6300 के ऊपर ट्रेड करती नजर आई थी, 6300 के पार जाती नजर आई थी, अच्छी खासी रैली निकल के सामने आई थी। लेकिन आज देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, 3% की गिरावट सोयाबीन की कीमतों में बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से 6300 या उसके पार की कीमतें देखने को मिलेंगी, या फिर यहाँ से सोयाबीन में अभी करेक्शन बनती नजर आएगी? देखिए, अभी फिलहाल रेंज है सोयाबीन के अंदर भी, सोयाबीन भी एक सीमित दायरे में फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। देखा जाए तो फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो फार्मर्स तो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सोयाबीन तेजी में ही निकालेंगे, फिलहाल पोजीशनें अपनी होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए ट्रेडर्स की एक्टिविटी को अगर समझा जाए तो ट्रेडर्स जो है वो निचले, जैसे ही सोयाबीन की करेक्शन आती है, निचले स्तर पर खरीदारी करते हैं और ऊपरी स्तर पर माल निकालते हुए दिखाई देते हैं। 400 से 500 रुपए की तेजी में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी फिलहाल यही रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। नीचे में 6000 के आसपास एक बार सोयाबीन स्टॉक लेते हुए दिखाई दे सकती है। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।